हिमाचल के ऊपरी क्षेत्र में बर्फबारी थमने के बाद जैसे ही मौसम साफ हुआ जंगलों में आगजनी की घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी। ऐसे में शिमला जिले के रामपुर आसपास के जंगल लगातार जलने लगे हैं। अब तक रामपुर निर्मल क्षेत्र में जंगलों में आग लगने की दर्जनों घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन वन विभाग के प्रयास इसमें नाकामी साबित हुए हैं। लोग जंगलों में आग बुझाने के प्रति वन विभाग की उदासीनता से नाखुश हैं। हिमाचल के ऊपरी क्षेत्र में बर्फबारी थमने के बाद जैसे ही मौसम साफ हुआ जंगलों में आगजनी की घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी। ऐसे में शिमला जिले के रामपुर के आसपास जंगल लगातार जलने लगे हैं। अब तक रामपुर निर्मल क्षेत्र में जंगलों में आग लगने की दर्जनों घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन वन विभाग के प्रयास इसमें नाकामी साबित हुए हैं। लोग जंगलों में आग बुझाने के प्रति वन विभाग की उदासीनता से नाखुश हैं। आरोप है कि वन विभाग की ओर से जंगली आग पर काबू पाने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है। रामपुर के समीप हेलपेड आसपास जंगल में आग ने भयंकर रूप धारण किया है। विभाग को सूचना देने के बाद भी वन विभाग की ओर से कोई प्रयास नहीं हुए, जबकि फायर ब्रिगेड, स्थानीय लोग, बाहरी राज्यों से आए मजदूरों ने कई घंटों तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अगर समय पर आग को काबू करने के प्रयास नहीं होते तो हेलीपेड स्थित लोक निर्माण विभाग के अस्थायी स्टोर में तारकोल समेत करोड़ों का सामान जलता। लोगों का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से भी सहयोग की अपील की गई, लेकिन उन्होंने उसे अनसुना कर दिया। अभिनव शर्मा ने बताया कि कुछ शरारती तत्वों ने हेलीपैड के साथ जंगल में आग लगाई। जब उन्होंने जंगल की आग को देखा तो वे इसे बुझाने के लिए निकले। इसी दौरान लोक निर्माण विभाग के कॉम्प्लेक्स में मदद के लिए गए, क्योंकि आग लगती तो उनकी संपत्ति को अधिक नुकसान होता, लेकिन उन्होंने उल्टी बदतमीजी करते हुए अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने लगे, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ आज हमारे को बहुत ही दुख के साथ हमने देखा, जब हम हेलीपैड की तरफ आए थे, यहाँ पे कुछ बच्चों ने, कुछ शरारती तत्व होते हैं, उन्होंने यहाँ पे माचिस की तीली या किसी उससे यहाँ पे आग लगा दी। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जो हमारे आग फैली हुई है। और हम वॉलेंटरीली पहुँचे यहाँ पे, तो हमने PWD डिपार्टमेंट से बात की, तो उनको को मतलब वो हमारे को उल्टा कह रहे हैं कि हमारे को क्यों बोल रहे हो आप। फर्स्ट ड्यूटी उनकी बनती है कि उनके अगर साथ में कोई जहाँ पे कुछ एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँच रहा है, उनकी फर्स्ट ड्यूटी बनती है कि हम वहाँ पे जाएं और अपना बेस्ट दें। उनका कॉम्प्लेक्स भी है वहाँ पे, उनका कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वहाँ पे, बल्कि हमारे से उल्टी बदतमीजी से बात कर रहे थे कि आप हमारे को क्यों हो रहे हो, बल्कि वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड को भी हमने इन्फॉर्म करने के लिए। मोहम्मद ताजीम बाणी ने बताया कि 3 से 4 घंटे कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया है। उन्होंने बताया कि काफी कोशिश से सफलता मिली है। उनके साथ फायर ब्रिगेड, स्थानीय लोग व मजदूर भी थे, जिन्होंने आग को बुझाने में मदद की है। कंट्रोल कर सकते हैं, काफी कोशिशों के बावजूद हमने लगभग 3 से 4 घंटे के अंदर इस आग को बुझा लिया। जो हमारी कोशिश थी, तो आखिरकार हमने इस कोशिश को पा ही लिया। तो मेरे साथ ही काफ़ी बंदे भी थे और फायर ब्रिगेड भी यहाँ तक पहुँची थी, और मेरे साथ ही मजदूर बंदे भी थे, इन्होंने काफ़ी कोशिश की और आखिरकार हमने आग को बचा लिया। तो और कोई नहीं आया फायर ब्रिगेड और लोकलों के अलावा? लोकल तो 2-3 बंदे आए थे और बाकी तो कोई नहीं, और मैंने शायद फोर्स का एक बंदा देखा हुआ था जो आगे गया था, लेकिन मैंने आग में पहचाना नहीं, फोर्स का बंदा ही लगा। रामपुर फायर ब्रिगेड के लीडिंग फायरमैन ईश्वर दास ने बताया कि उन्हें जंगल में आग लगने की सूचना मिली, वहीं अपनी टीम के साथ तुरंत रवाना हुए। उन्होंने देखा कि आग 800 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली थी। आग एक गांव व लोक निर्माण विभाग के स्टोर को भी चपेट में ले सकती थी, लेकिन स्थानीय लोग व मजदूरों के सहयोग से आग पर काबू पाया और करोड़ों की संपत्ति को बचाया गया। हमारे को तकरीबन 2 बजे केंद्र में सूचना मिली कि शिंगला हेलीपैड के साथ जंगल में आग लगी है, जिससे कि गांव को खतरा है, जल्दी से अपना क्रू भेज दो। जैसे ही हमारे को सूचना मिली, मैं तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचा, तो पाया कि यह आग लगभग 800 वर्ग मीटर एरिया में फैली थी, जिसे हमने अपनी क्रू के साथ झाड़ियों से पीट पीट कर बुझाया और साथ लगते उर्मी गाँव को जलने से भी बचाया। और इसके साथ उर्मी गांव के साथ रेस्ट PWD का रेस्ट हाउस और यहां काफ़ी मात्रा में तारकोल के ड्रम इकट्ठे किए थे, जिसको भी हमने जलने से बचाया। अगर यह आग टाइम से ना बुझती तो तकरीबन करोड़ों का नुकसान हो सकता था।